हेलो एवरी वन अगेन आई वेलकम यू इन अवर डिज़ायर यूट्यूब चैनल एंड टूडे वी आर गोइंग टू कम्प्लीट अवर सेवन डे ऑफ थर्टी डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स आज हम अपने सेवन डे को कंप्लीट करने जा रहे हैं और इस वीडियो लेक्चर के अंदर आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन इस लेसन के जरिए आपको एक नया कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर मिलने वाला है कि जिसको यूज़ करके आप अपनी इंग्लिश को फ्लुएंट कर सकते हैं और इंग्लिश के आपकी जो बोल चाल है बातचीत आप उसको अच्छे से लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं ओके सो टुडे द लेसन आई स्टार्टेड टू टीच यू इट इज़ बी एबल टू ओके एबल टू मीन्स एबल टू एबल टू मीन्स किसी चीज़ के लिए योग्य होना किसी चीज़ को कर पाने की क्षमता होना और उसकी एबिलिटी और काबिलियत होना इसके लिए हम यूज़ करते हैं एबल टू का नाउ द वर्ड बी बी तो बी मैं अभी आपको कंप्लीट करने वाला हूँ सबसे पहले हम एबल टू को समझ लेते हैं एबल टू बी एबल टू हैज अ सिमिलर मीनिंग टू कैन एंड कुड हम एबल टू को यूज़ करते हैं कैन और कुड की जगह पर ओके okay, जैसे कि एबल टू का भी मीनिंग होता है किसी चीज़ को कर पाना और कैन का भी मीनिंग होता है किसी चीज़ को कर पाना ओके सो स्टेप बाय स्टेप वी आर गोइंग टू कंप्लीट इट ओके सो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड बी यहाँ पे एबल टू का तो मतलब होता है योग्य होना किसी चीज को कर पाने की क्षमता होना लेकिन बी क्या है तो बी इज अ फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब एम इज आर एंड वाज वेयर यहाँ पे बी जो है तो वो एम इज आर और वाज वेयर की फॉर्म है अब उसको यूज कैसे करते हैं फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड बी इज अ फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब एम इज आर एंड वॉज वेयर ओके सो फर्स्ट वी विल टेक एन एग्जाम्पल आई कैन स्पीक इंग्लिश मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ मेरे अंदर ये क्षमता है मेरे अंदर ये एबिलिटी है कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ आई कैन स्पीक इंग्लिश अब उसके नीचे एक सेंटेंस है आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश द बोथ ऑफ द सेंटेंसेज हैव सेम मीनिंग दोनों भी सेंटेंस के मीनिंग सेम है सिर्फ हमने यहाँ पे कैन का यूज़ किया और नीचे एम एबल टू का यूज किया ओके okay. तो यहाँ पे ये जो एम आया है ये ये एम यहाँ पे है बी मैंने अभी बताया आपको बी इज अ फॉर्म ऑफ एम इज आर तो यहाँ पे जो बी एबल टू हमको सेंटेंस में यूज करने के लिए कहा गया है तो यहां पे हमको जो का तू बी का यूज नहीं करना है बी का मतलब होता है एम इज आर वॉज एंड वेयर तो प्रेजेंट के अंदर हम यूज करते हैं एम इज आर अगर आय है तो आय के साथ एम आएगा प्लूरल हो तो आर आएगा और सिंगुलर है तो इज आएगा सो गॉट इट क्लियरली फर्स्ट आई कैन स्पीक इंग्लिश कैन को रिमूव करिए और उसकी जगह पे एबल टू का यूज करिए और आप यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आप एज पर द सब्जेक्ट और एज पर द प्रोनाउन यूज़ करेंगे नाउ द सेकेंड वन इज ही कैन स्विम इन द रिवर वो नदी में तहर सकता है ही कैन स्विम इन द रिवर अब हम इन्ह ने यहाँ से कैन को रिमूव किया और एबल टू का यूज किया और यहां पे ही है इसीलिए हम यहां पे हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं इज तो ही इज एबल टू स्विम इन द रिवर ओके नाउ थर्ड इज वी कैन हैंडल द सिचुएशन ओके वी कैन हैंडल द सिचुएशन हम सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं अब यहां से हमको क्या करना है कैन को रिमूव करना है और बी एबल टू का यूज करना है तो एबल टू तो आएगा और उसके साथ बी की जगह पे यहां पे सब्जेक्ट है प्लूरल तो आर आएगा वी आर एबल टू हैंडल द सिचुएशन सो इन प्रेजेंट एज पर द फॉर्म ऑफ बी इज एम इज आर तो प्रेजेंट में हमको जब भी एबल टू यूज करना है तो हम एम इज आर का यूज करेंगे ओके अब यहां पे अगर सेंटेंस में कैन है तो आप एम इज आर का यूज करिए और अगर सेंटेंस के अंदर कुड है तो आपको वेयर का इस्तेमाल करना पड़ेगा फॉर एग्जाम्पल शी कुड विन द मेडल वो मेडल जीत सकती थी ये बात है पास्ट की कि वो लड़की मेडल जीत सकती थी तो अब हमको यहाँ से कुट को करना है रिमूव और उसकी जगह पे यूज करना है एबल टू तो जब एबल टू आता है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी आता है इन द फॉर्म ऑफ बी तो शी के साथ हम हमेशा लगाते हैं वॉज शी वॉज एबल टू विन द मेडल हमने कुट को रिमूव किया और उसकी जगह लगाया वॉज एबल टू यहाँ पे वॉज क्यों आया क्योंकि यहाँ पे कुड है और कैन होता तो यहां पे इज आता ओके नाउ द सेकंड इज दे कुड प्ले वेल वो अच्छे से खेल सकते थे दे कुड प्ले वेल नाउ रिमूव कुड फ्रॉम द सेंटेंस एंड यूज बी एबल टू सो देयर विल बी द सेंटेंस दे वेयर एबल टू प्ले वेल वो अच्छे से खेल सकते थे ओके सो गॉड इट क्लियरली अब यहां पे हमने देखा है कि अगर सेंटेंस के अंदर कैन है तो समझ लो सिंपल प्रेजेंट है और अब हमको कैन को रिमूव करके एबल बी एबल बी एबल टू का यूज़ करना है तो हम बी की जगह पे एम इज़ आर का यूज़ करेंगे और वहाँ पे कुड़ है तो हम वाज वेयर का यूज़ करेंगे ओके